गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायसेल्फ रवि कुमार, आई हार्टली वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इन दिस क्लास वी विल टेक द रिवीजन फॉर पीरियोडिक एग्जाम टू। ये जो पीरियोडिक एग्जाम सेकेंड होने वाला है, हम इसी की एक रिवीजन क्लास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो वेरी वेल दैट आवर कंप्यूटर क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड सेक्शन बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेक्शन बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी योर 5 मार्क्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होंगे ये 20 मार्क्स के होंगे। द बिहाइंड रीजन 20 मार्क्स इज दैट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज गोइंग टू डिवाइड इंटू 3 सेक्शंस। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, सेकेंड MCQ इट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड थर्ड वन इज ट्रू एंड फॉल्स। दिस 3 क्वेश्चंस आर कंबाइंड इन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर दिस रिविजन क्लास। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू क्रिएट अ न्यू फाइल इज Ctrl+S। यहां पे पूछा गया है कि द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू क्रिएट ए न्यू फाइल, नई फाइल बनाने के लिए न्यू फाइल को क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या है। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑल्सो यू नो वेरी वेल दिस कलर डिफाइंस, ग्रीन कलर डिफाइंस इज द राइट आंसर। मैंने इस क्वेश्चन में ये ग्रीन कलर से मार्क किया है करेक्ट आंसर को। तो न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+N, एम आई राइट? Ctrl+N इज द न्यू फाइल शॉर्टकट की, न्यू फाइल की शॉर्टकट की Ctrl+N। And this Ctrl+N will also identifies and will function in all Microsoft Office. Microsoft Office के किसी भी एप्लीकेशन में आप वर्क करेंगे तो वहां पर नई फाइल को क्रिएट करने के लिए आप Ctrl+N को यूज कर सकते हैं। वर्ड में भी, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, सभी जगह आप यही यूज करेंगे न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्लिप रोटेट कमांड इज इन द डैश ग्रुप। द फ्लिप रोटेट कमांड इज इन द डैश ग्रुप। ए कलर्स, बी शेप्स एंड सी इमेज। द फ्लिप रोटेट कमांड, ये कमांड किस ग्रुप में रहता है? कलर ग्रुप, शेप ग्रुप, इमेज ग्रुप? आंसर इज इमेज ग्रुप। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टक्स पेंट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। द फाइल टैब इज प्लेस्ड अबोव द एक्सेस टूल बार। द फाइल टैब इज प्लेस्ड अबोव द क्विक एक्सेस टूल बार। ए ट्रू एंड बी फॉल्स। अब आपको यहां पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 में से एक सही है और दूसरा गलत है। तो फिर से पढ़ा जाए क्वेश्चन एक बार। द फाइल टैब इज प्लेस्ड अबव द क्विक एक्सेस टूल बार, यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइल टैब जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार के ठीक ऊपर है। नहीं, फाइल टैब क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे है।
तो इट मींस ये आपका फॉल्स हो जाएगा। द डैश टूल इज यूज टू कॉपी द कलर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अगेन थ्री ऑप्शन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कलर को कॉपी करता हो। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कलर को कॉपी करता हो। आंसर हो जाएगा आपका कलर पिकर। कलर पिकर इज द राइट आंसर। किसी भी रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर डियर स्टूडेंट्स। पीरियडिक एग्जाम टू बिल्कुल ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चंस बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा। आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन देन ओनली यू हैव टू टिक मार्क। बड़े ही ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप उसको टिक लगाएंगे। डैश व्यू डिस्प्लेस द स्लाइड्स ऑन फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पे स्लाइड्स, जैसे मैं ये फुल स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इस तरीके से फुल स्क्रीन पे स्लाइड्स कैसे दिखाएगी? नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉटर, स्लाइड शो, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज स्लाइड शो। स्लाइड शो व्यू डिस्प्लेस द स्लाइड्स ऑन फुल स्क्रीन। स्लाइड शो पूरे स्क्रीन पे दिखाएगी, स्लाइड शॉटर क्या करेगा? कंबाइन कर देगा, इकट्ठा करेगा। नॉर्मल तो भाई नॉर्मल है। नोट पेज इज अवेलेबल ऑन द डैश टैब। नोट पेज इज अवेलेबल इन द व्यू टैब। ए फॉर्मेट, बी हेल्प, सी टूल एंड डी व्यू। तो नोट पेज आपको मालूम होना चाहिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के व्यू टैब में होता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू इज इन द मेन एडिटिंग व्यू। अगेन टू ऑप्शन। स्लाइड शॉर्टर व्यू इज द मेन एडिटिंग व्यू। आपको मालूम होना चाहिए कि स्लाइड शॉर्टर जो होता है वो पूरे स्लाइड्स को कंबाइन कर देता है और कंबाइन करने के बाद अकॉर्डिंग टू यू यू कैन एडिट। आप वहां पे एडिट कर सकते हैं। तो यह आपका ट्रू हो जाएगा बिकॉज इट इज द मेन एडिटिंग व्यू। ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डैश दैट आर अरेंज्ड इन ए सिक्वेंशियल मैनर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ, यू नो वेरी वेल, मैंने आपको एक पिछली क्लास में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपने देखा होगा कि व्हाट इज ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स दैट आर अरेंज्ड इन ए सिक्वेंशियल मैनर। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ए प्रेजेंटेशन, देन यू हैव टू राइट ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स दैट आर अरेंज्ड इन ए सिक्वेंशियल मैनर। यही आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन को हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाल दिया, ये स्लाइड्स। ओहो, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेट ऑफ स्लाइड्स? ए कंट्रोल सी, बी कंट्रोल डी, सी कंट्रोल ई एंड डी कंट्रोल बी। क्वेश्चन क्या है? डुप्लीकेट ऑफ स्लाइड, यानी डुप्लीकेट करने के लिए आपको शॉर्टकट बताना पड़ेगा कि किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट अगर हमको जरूरत पड़ती है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा। कंट्रोल डी। डैश इज द ग्राफिकल टूल यूज टू क्रिएट ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डैश इज द ग्राफिकल टूल दैट इज यूज टू क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ए स्मार्ट आर्ट, बी प्लेस होल्डर, सी स्लाइड्स एंड डी प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफिकल टूल है जो आपके विजुअल रिप्रेजेंटेशन में काम करेगा। वह आंसर है स्मार्ट आर्ट।
Smart art is the graphical tool that can help to create the visual representation. Thank you and have a nice day. Dear students, I hope you are ready for your periodic exam too. बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि आपका पीरियोडिक एग्ज़ाम नज़दीक आए चले जा रहा है. सो डू द विद द प्रैक्टिस विद द रफ कॉपी विद द करेक्ट स्पेलिंग. पढ़ते रहिए, स्पेलिंग याद करिए, रफ कॉपी में लिखिए बिना देखे. देन ओनली यू विल अचीव good and success marks. Thank you and have a nice day.